सीरीज रेजोनेंस सर्किट, जब भी कोई एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट के अंदर सीरीज रेजोनेंस में का मतलब है एलसीआर इन सीरीज। इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमने किया था, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या था, जेड एंड वॉज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एक्स एल क्या है, एल ओमेगा, एक्स सी क्या है, वन बाई सी ओमेगा। यहाँ पर एक चीज़ बताओ मुझे कि जो एक्स एल होता है ना, जो एक्स एल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल ओमेगा। एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई सी ओमेगा। अगर मैं एक एल सी आर सीरीज में ओमेगा को सोर्स ऑफ ई एम एफ जो भी है ए सी, उसके ओमेगा को इंक्रीज करूँ, ओमेगा को जब इंक्रीज करेंगे तो एक्स एल बढ़ेगा, ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो एक्स सी कम होगा। तो एक्स एल बढ़ेगा, एक्स सी कम होगा। मान लो एक्स एल अभी कम है, एक्स सी ज़्यादा है, आपने ओमेगा बढ़ाना शुरू कर दिया, एक्स एल बढ़ना स्टार्ट हो गया, एक्स सी कम होना स्टार्ट हो गया, कैसी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, जब एक्स एल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स सी। तो ऐसे केस में आपने एक ऐसा ओमेगा सिलेक्ट किया, क्योंकि ओमेगा बढ़ाने से या कम करने से एक्स एल और एक्स सी चेंज होते हैं, एक ऐसी वैल्यू आ गई ओमेगा की जब एक्स एल किसके इक्वल हो गया, एक्स सी। तो ये ओमेगा जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो गया, इस ओमेगा को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस का मतलब यही है कि जब दोनों रेजिस्टेंस रादर रिएक्टेंसेस इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल, तो उस ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, रेजोनेंस वर्ड कहां से आ रहा है, तो रेजोनेंस का मतलब यही है कि रेजोनेंस का मतलब कि जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो जाएगा, एल ओमेगा वन बाय सी ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वन बाय एल सी, तो ओमेगा वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी हो जाएगा, और ओमेगा क्या होता है, टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आज के बाद जब भी सीरीज एल सी आर की बात होगी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात होगी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्लियर है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आपने एक्स एल को एक्स सी के इक्वल कर देना। आप कहोगे उससे क्या हुआ, जो करंट होता है सीरीज एलसीआर के अंदर वो क्या होता है, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, और एलसीआर की टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस जेड। अब मुझे पता है कि जो जेड होता है उसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपका जेड का फॉर्मूला है, ठीक। अगर मैं ये बोलता हूं कि रेजोनेंस हो गई, तो रेजोनेंस के अंदर एक्स एल किसके इक्वल हो गया, एक्स सी, तो ये कैंसिल हो गया, तो जेड किसके इक्वल हो गया, सिर्फ और सिर्फ आर, सिंपल। रेजोनेंस के ऊपर एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो गया, एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू इंपीडेंस में कैंसिल हो गई, तो जेड किसके इक्वल हो गया, आर के। तो यानी कि इंपीडेंस मिनिमम हो गई, क्योंकि आर से कम तो मिनिमम हो नहीं सकती, एक्स एल और एक्स सी की रेजिस्टेंस काउंट होनी बंद हो गई, सिर्फ आर की रेजिस्टेंस रह गई। तो इंपीडेंस रेजोनेंस के ऊपर, ये कब हो रहा है, जब रेजोनेंस है, रेजोनेंस का मतलब जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल है, तो जेड आपका मिनिमम हो गया, तो करंट आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो याद रखना कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट जिसमें एल सी आर सीरीज में है, रेजोनेंस वर्ड सुनते ही एक्स एल एक्स सी के इक्वल कर देना है, और जेड ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा, करंट ऑटोमेटिकली इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, करंट की वैल्यू इसमें मैक्सिमम हो जाएगी। तो कैसे यूज करना है अभी बताऊंगा इस सर्किट को। अब मुझे यह भी पता है कि ऐसे सर्किट के अंदर एलसीआर में टेन फाइव क्या होता था, एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, ऐसे होता था। जब रेजोनेंस वर्ड यूज मैंने यूज कर दिया, तो रेजोनेंस के अंदर एक्स एल और एक्स सी कैंसिल, तो यहां से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली जीरो। तो फाई क्या आ जाएगा इसमें, जीरो। फाई जीरो का मतलब क्या है, वोल्टेज और करंट में एंगल क्या रहेगा, जीरो। फाई का मतलब क्या है, वोल्टेज और करंट का एंगल, वोल्टेज और करंट का एंगल जीरो। ऐसा कब होता है, जब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कौन ऑपरेट कर रहा होता है, आर, क्योंकि आर की भी यही बिहेवियर है कि ईएमएफ और करंट में एंगल क्या रहता है, फेज एंगल जीरो। यानी कि यहां पर एक्सएल और एक्ससी रेजोनेंस पे अपना रोल प्ले करना बंद कर देंगे और जेड आर के इक्वल हो जाएगा, तो इसमें फाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो ऐसे सर्किट को सीरीज रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं।